और उनसे ज्यादा प्यार हमें दुनिया में कोई नहीं कर सकता। It's actually very, very shocking. Somebody who just 20 and और मुझे लगा यार, what a waste of life. कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़े होने चाहिए, और किसी चीज के लिए भी आप अपनी लाइफ नहीं ले सकते। आजकल सबको लगता है इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ख़त्म हो गई दुनिया, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर ये थॉट किसी के दिमाग में भी आता है, आई वुड से कि सबसे पहले पेरेंट्स का सोचो, बिकॉज आई थिंक भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है पेरेंट्स, एंड आई थिंक उनका प्यार अनकंडीशनल होता है और उनसे ज़्यादा प्यार हमें दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एंड इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स, जस्ट थिंक कि उनका क्या होगा बिफोर डूइंग एनी सच थिंग। एंड life is, no one said life is easy, life is difficult and we have to fight and this is life. Kisi ki life aisi nahi hai jo problems nahi hai, everyone has problems, but I feel just if you can't stop yourself, think about your mother, your father, any one person which you feel loves you the most, and unka kya hoga tumhare baad. So just don't take any decision in anger and don't depend on someone else for your happiness. कितना कहना चाहती हूँ कि शी वॉज 20 ईयर ओल्ड, अगर 2018 में वो कोई इंटरव्यू दे रही है जहाँ पर वो कह रही है कि शी इज़ फाइटिंग डिप्रेशन एंड शी इज़ नॉट मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग, तो उससे उसकी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। शी वॉज द अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली, तो एक प्रेशर होता है कि आप यू नो अपना काम कंटिन्यूसली करते जाओ, मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े लोग ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर कि वो कैसे कोप अप कर रहे हैं वर्क स्ट्रेस के साथ, बिकॉज टेलीविजन वर्क इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी शॉकिंग, somebody who just 20 and you know मैं भी डिप्रेशन के दौर से निकला हूँ, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। होता क्या है कि वो एक मोमेंट होता है, अगर वो मोमेंट पास हो जाए या उस मोमेंट में आप किसी से बात कर पाओ या आपको कोई इस मोमेंट में समझा पाए, वो एक मोमेंट निकल जाए ना, तो फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का नहीं लोगे। बट इट इज़ वेरी सैड, बस यही बोलूँगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए यार, तो कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़े होने चाहिए, और किसी चीज़ के लिए भी आप अपनी लाइफ नहीं ले सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ही शॉकिंग था, मुझे लगता था कि वो दिखने में बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अच्छा काम करती थी, और मुझे लगा यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। अब ये किसी को नहीं पता है कि क्या रीजंस रहे हैं उनके या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, बट आई एम वेरी शॉक्ड कि यार, शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहें, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि यार आप क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे। बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को, स्पेशली यूथ को, कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं, बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ा नज़रिया बड़ा रखिए। सब फैमिलीज जितनी भी इन्वॉल्व हो रही हैं वो एक बहुत ही ख़राब वक्त से गुजर रही है, तो हम उनको मतलब जजमेंट्स ना पास करके किसी पे भी कुछ भी ऐसा ना सोच के कि इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है, जो होना था वो तो हो चुका है, बस हमें ये सोचना है कि ये आगे ना हो। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोग देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनसे बात कीजिए, और वो डर ना रखें कि वो कभी आके तुम्हें कुछ बोल ना सके। शादी दिव्या, अगर ऐसा कुछ होता है बहुत ज़्यादा, अगर आपको भी कभी बहुत प्रेशराइज होता है, क्या लगता है फैमिली कितना इम्पोर्टेंट प्ले करती है, बिकॉज फैमिली कहीं ना कहीं समझती है बात, जी, तो आपको जी क्या लगता है? मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत लाइफ में क्यों ना हो जाए, कितनी भी गंभीर बात लाइफ में क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी फैमिली के पास जाके अपने आप को सरेंडर कर दोगे और बोल दोगे कि भाई इससे आगे मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी क्या है, इससे आगे मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उपाय होगा। डेफिनेटली जब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा है, आई थिंक चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब तुम एक बार शेयर कर लो। उसकी आवाज़ जा चुकी थी, वो शायद हॉस्पिटल में इतना चिल्लाया है, इतना रोया है,
और दिल फट के रोया एकदम। डॉक्टर से बार बार वो यही बोल रहा था, प्लीज़ जो भी हो, जैसे भी हो, आप तुनिशा को बचा लो। तो ज़्यादा कुछ तो बात नहीं हुई, मगर उसने इतना ज़रूर कहा कि बाबा आज तो मतलब बहुत अच्छा माहौल था सेट पे और सब हंस खेल रहे थे और साथ में हमारी बातचीत हुई है मेरी और तुनिशा की, और उसने काफ़ी रील्स वीडियोस टाइप का फ़ोन में बनाया है जो कि वो स्टोरीज पे पुट करने वाली थी इंस्टाग्राम पे। और बस इतनी सी बात है, उसने बोला कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं क्या बोलूँ इसे,